This conference will now be recorded. जी बच्चों बिस्मिल्ला पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अच्छा बच्चों ये तो एक दुआ होगी। एक और दुआ जो मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने याद करवाई कि सर आपने ये भी पढ़ाई थी, ये भी आप सारे ग्रुप में बताएं, मैंने कल शेयर भी कर दी थी आप लोगों के साथ। रब्बी यस्सिर, ऐ मेरे रब तू आसान फरमा दे, वला तुअस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, वतम्मिम और तू इसे तमाम कर दे, मुकम्मल फरमा दे, बिल खैर खैर के साथ। तो ये वाली दुआ भी बहुत अच्छी दुआ है और आप लोग इसको भी पढ़ा करें, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी हम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपने सब्जेक्ट ये शुरू किया है R2 का, अल्लाह ताला इसको भी खैर से मुकम्मल फरमा दे। आप लोगों ने CA शुरू किया, आपने लोगों ने R2 शुरू किया, अल्लाह ताला इसको भी खैर से मुकम्मल फरमा दे। ठीक है बच्चों, लेट स्टार्ट। ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एडवांस का क्वेश्चन था और ऑन 1 July 2010 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। डिटेल ऑफ लीज आर एज फॉलोस। कॉस्ट ऑफ मशीन 20 मिलियन थी, लीज टर्म 4 साल थी और 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली था। इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 July। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ था लीज के अंदर 15.7879%। एट द एंड ऑफ लीज टर्म MTL हैज ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ 2 मिलियन। परचेज ऑप्शन आ गई उसके पास। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। 3 मिलियन थी, अगर 3 मिलियन थी तो वो बंदा डेफिनेटली इसको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि 3 मिलियन वाली चीज उसे कितने में मिल जाएगी, 2 मिलियन में। MTL depreciate the machine on straight line method to a nil residual value। यहाँ पर हमने कहा था कि चूंकि परचेज ऑप्शन उसके पास मौजूद है और वो इसको एक्सरसाइज भी कर लेगा, लिहाजा हमारे पास MTL के पास ये एसेट 10 साल तक रहेगा और हम इसको डेप्रीशिएट भी कितने सालों पे करेंगे, 10 साल पर करेंगे। हमने ये डिसाइड किया और हमने इसको हाईलाइट कर लिया पेपर में भी, हमने 3-4 बातों को हाईलाइट किया, ऑप्शन टू परचेज को हाईलाइट किया, फेयर वैल्यू 3 से ज्यादा है उसको जस्ट वैसे हाईलाइट किया, लेकिन इसको पेपर में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज सिर्फ डिसीजन के काम आनी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमें एक्सट्रैक्ट बनाने थे 30 जून 12 और कंपैरेटिव, तो फिर कंपैरेटिवली 30 जून 11 का भी काम करना था। हमने फॉर्मेट बना लिया कि हम एसेट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बना देंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के भी क्या बना देंगे, एक्सट्रैक्ट बना देंगे। और दूसरी चीज उसने कही है कि आप क्या बना दें, नोट्स भी बनाने हैं आप, तो राइट पेज के ऊपर हम क्या बना लेंगे, नोट बना लेंगे। थर्ड पेज पर जब आप जाएंगे तो थर्ड पेज आप एक हिसाब से खाली रहने दें, फोर्थ पेज के ऊपर आप वर्किंग करें। रीजन क्या है, रीजन ये है आप अपने पास अभी रजिस्टर सामने रखें और देखें कि पहले दूसरे पेज के ऊपर आपने काम करना है तो उसके बाद
काम चौथे पेज पे करना आसान है या तीसरे पेज पे आसान है, आप लोगों ने मुझे मैसेज में बताना है, फोर्थ पेज पे या थर्ड पेज पे। जल्दी काम किस पर हो सकता है? खुद आप सोच कर बताएं, आपने चीजों को एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना है पहले पेज पर और दूसरे पेज पर। तो चौथे पेज लेकिन पे काम सर, कर, चौथे पेज पर काम करना आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। थर्ड पेज पे लेकिन सर काम करना, बीच जी जी बताएं। बीच में ब्लैंक पेज होगा तो उससे इश्यू तो नहीं है कोई? सो व्हाट, पैसे दिए ना नहीं, आपने वो आई अक्सर पर, वो कहते हैं ना कि एंड पे काट दें, वो एंड पे कहते हैं कि काट दिया काट दिया करें ना उसको। पेपर्स। तो बेटा अब आपकी रिक्वायरमेंट है हर पेज के ऊपर आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। चौथा तो क्वेश्चन, इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 2। आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बस लिखा हुआ है, 2 बात खत्म। कुछ उसके ऊपर लिखा है नहीं लिखा, जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, क्या आपने अपने लिए आसानी देखनी है या एग्जामिनर को देखना है? अब आप लोग बता दें मुझे बेटा, अपने लिए आसानी देखो बस। एग्जामिनर को पैसे भरे हुए हैं, और बिलीव मी ये चौथे पेज पे भी करोगे ना, तीसरा खाली भी रह जाए तो भी एग्जामिनर कुछ भी नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी इस तरीके से करने से भी चांसेस हैं कि शीट नहीं लगेगी, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जो सा बच्चा प्लानिंग के साथ नहीं चलता वो पांचवा पेज छठे पेज के ऊपर भी पहुंचा होता है, हालांकि 4 पेजेस से ऊपर क्वेश्चन अक्सर जाते ही नहीं। अक्सर क्वेश्चन या 2 पेजेस पे या 4 पेजेस पर मुकम्मल हो जाते। तो आपने अपने लिए कोशिश ये रखनी है कि आपके फ्रंट के ऊपर सामने जब भी क्वेश्चन कर रहे हो 2 पेज सामने हो। जब दोनों पेज सामने होते हैं तो राइट पेज के ऊपर वर्किंग, लेफ्ट पेज के ऊपर काम। क्वेश्चन लेंथी हो तो चौथे पेज पे वर्किंग्स पहले दूसरे पेज पे काम, ये अपने लिए बना लें। तीसरा पेज यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे एंड पर। जी क्वेश्चन हमें करना है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, मैंने आपको जनरल एंटीज भी सिखानी है इंशाल्लाह अजीज। तो मैं थोड़ा सा हटके भी एग्जाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से हटके भी काम करवाऊंगा, साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। तो फोर्थ पेज पे आप वर्किंग शुरू करेंगे। पहले नंबर पर आपको लीज पेमेंट्स बनानी है। फार्मूला लिखा आपने, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस क्या करूँ, जीआरवी करूँ या परचेज ऑप्शन करूँ, मैसेज में लिखकर बता दीजिएगा। दो ऑप्शन है ना आपके पास, परचेज ऑप्शन की चूंकि मौजूद है लिहाजा हम परचेज ऑप्शन जी? लिखते। डाउन पेमेंट कोई नहीं है, रेंटल्स कितने पे करने हैं, क्वेश्चन से पूछेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ कितने रेंटल पे करने हैं। 5.8 मिलियन का एक रेंटल है, लीज टर्म हमारी 4 साल है, तो यहां से पता चला हमारे 4 रेंटल्स होंगे। लीज टर्म यूजफुल लाइफ रिस्पेक्टिवली, इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारा काम शुरू हुआ। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है, काइंडली काइंडली ये अपना ईयर भी डिफाइन करना। तो 5.8 मिलियन की 4 इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे। प्लस क्या परचेज ऑप्शन भी पे करनी है? यस, परचेज ऑप्शन भी पे करनी है, वो है हमारी 2 मिलियन। ये 2 मिलियन भी हमें पे करना है। टोटल हो गया हमारा, भी मैसेज आया था मुझे, 25.2। मेरा सेकंड काम है कि मैं क्या करूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बनाऊं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइमलाइन के जरिए डिस्कस कर देता हूँ। कि किस तरीके से बनेगा पेपर में, लाजमी नहीं है आप टाइमलाइन बनाएं। 1 जुलाई कौन सा था, 10 था क्या था? 1 जुलाई 10,
1 जुलाई 10, जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया है उनको भी इंशाल्लाह समझ लगेगी। 1 जुलाई 10 से हमने शुरू किया है काम। अगली पेमेंट 1 जुलाई 11 पे होगी, उससे अगली पेमेंट 1 जुलाई 12 पर होगी, उससे अगली पेमेंट 1 जुलाई 13 पर होगी। अब एडवांस में पेमेंट करने का मतलब ये है, 5.8 की पेमेंट शुरू में की और आपने बाद में उसको एसेट को यूटिलाइज किया, फिर 5.8 की पेमेंट की, फिर आपने उस एसेट को यूटिलाइज किया, फिर आपने पेमेंट की 5.8 की, देन आपने एसेट को यूटिलाइज किया, फिर आपने पेमेंट की 5.8 की और फिर आपने यूटिलाइज किया। एंड हो गया हमारा 30 जून 14, 4 साल हमारे पूरे हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 लीस्ट टर्म 4 साल पूरे। 4 साल के एंड पर वी हैव टू पे 2 मिलियन। एडवांस के क्वेश्चन में जैसे पहले लेक्चर के अंदर समझा चुका हुआ हूँ, हमें इस इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं लाना, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट पे है, तो एक इंस्टॉलमेंट कब ने जाना है प्रेजेंट वैल्यू पर, और इसने भी जाना है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी 5.8। रेंटल जो है वो पहला रेंटल इसने नहीं जाना प्रेजेंट वैल्यू में, ये तो प्रेजेंट वैल्यू पर ही है। 5.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, अब यहाँ पर मसला शुरू, रेट जिसका मैंने आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा ट्रिक बताया था। कैलकुलेटर मेरे पास स्क्रीन पर अभी सरदस्त अवेलेबल नहीं हो सका, उसके लिए हमें जरा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि मुफ्ता वाला काम खत्म हो गया हुआ है। अब इसको आप कैलकुलेटर में क्या कर लें, सेव कर लें, 0.1572578 79, 1572 78 79, 1572 78 79, 1572 78 79, 1572 78 79, रेस टू पावर -3, एक इंस्टॉलमेंट कम क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट ने वापस नहीं आना, डिवाइडेड बाय 0.1572589, ये हो गई 5.8 को खींचने का काम, प्लस इसमें 2 मिलियन को भी खींचना है 4 साल पीछे, 2 मिलियन इंटू 1.1572589। हम मजबूर हैं कि हम ये क्या लें, ये पूरा रेट लिखें भी और पूरा रेट अप्लाई भी करें। अगर उसने राउंडिंग ऑफ खुद करनी होती तो वो राउंडिंग ऑफ वाला रेट दे देता, अब उसने जितना रेट दिया है आपको वही यूज करना है। प्रेजेंट वैल्यू बता दें कैलकुलेट कर कर, अब ये रेज टू पावर -4 आना है, 4 साल पीछे जाना है, 4 इंस्टॉलमेंट पीछे जाना है, असल में ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होती है। सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर थ्री 67.43। अब आपके पास, आप सबके पास क्या है, टाइम नहीं, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने सिखाया नहीं है, आए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला काम है हमारा रीपेमेंट शेड्यूल बनाना, इसके कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम 5 कॉलम, कितने कॉलम होते हैं बच्चों, डेट होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है और बैलेंस होता है, ऐसे ही है। आपकी फर्स्ट डे है, ये 20, ये गलत चीज है, फर्स्ट यार ये काम गलत बता रहे हैं आप, ये 25.2 है और ये 67.43 हो नहीं सकता।
सर ये मेरा गलत तो सोच रहा है। 20 आ रहा है। 20 आ रहा है ना, ये 20 आना चाहिए बच्चों, 67.43 किसने बता दी है? इट शुड बी 20, 19.99 19.99, इट शुड बी 20, 19.21। लेकिन यार जरा राउंडिंग ऑफ ना करें, काइंडली रेट के ऊपर ना वो आप करें, रेट एग्जैक्टली पूरा फुल फ्लेज लेना है आपने। 5.8 प्लस 5.8 रेज इनटू 1 माइनस 1.15, 1 प्लस रेट करते हैं ना, तो 1.1572587 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1572587। इसमें जमा करना है 2 इंटू सारे का सारा, 4 इंस्टॉलमेंट पीछे, टोटल 19.99 आंसर बनता है, यानी कि 20। कर लिया बच्चों? ठीक हो गया। इसका पहला स्टेप मैं आपको सिखाने लगा हूं, बाकी आपने वर्किंग करनी है। मैंने रीपेमेंट शेड्यूल पहले से आज बनाया हुआ है, आप लोगों ने चेक करना है उसे। ये रीपेमेंट शेड्यूल आ गया आपका, डेट है 1 जुलाई 10। मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाऊंगा। 1 जुलाई 10 नजर आ रहा है बच्चों? ये बता दें, बैलेंस के कॉलम में 20 नजर आ रहा है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर, राइट साइड के ऊपर बिल्कुल बॉटम पे। ठीक हो गया। इससे अगला स्टेप, हमारी पहली पेमेंट है 5.8 की, 1 जुलाई 10 को ही, ये वाली इंस्टॉल। ये बताएं क्या हमने कोई पैसा किसी और कंपनी का इस्तेमाल किया या फौरी तौर पर 5.8 पे कर दिया? क्या हमने कोई 20 अमाउंट फौरी तौर पर पे कर दिया? तो इसका मतलब है जो फौरी तौर पर पेमेंट किया उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, वो सारे का सारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ये आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है कि एडवांस के क्वेश्चन में पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। तरीके से डाउन पेमेंट ही होगी ना, एक तरीके से ये डाउन पेमेंट ही होगी। एडवांस के क्वेश्चन में पहली पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर हमने इंस्टॉलमेंट पहले दिन ही लीज लीज के पहले दिन ही पे कर दी हो, डिलेड की बात नहीं कर रहा, अगर हमने लीज कमेंस होते ही पे कर दिया हो, एक हिसाब से डाउन पेमेंट आप कह सकते हैं पूरी तौर पर, तो 5.8 आपने फौरी तौर पर पे कर दी है, उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। अब बैलेंस 14.2 बच गया, 20 में से 5.8 प्रिंसिपल का निकाला, ये भी क्रेडिट नेचर है और ये उसका डेबिट हो रहा है। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यानी लायबिलिटी, और ये हमारी लायबिलिटी की रिडक्शन। अब यहां से ऑनवर्ड काइंडली काइंडली आपके पास 2 मिनट हैं, आप लोग रीपेमेंट शेड्यूल बना दें, फिर मैं मेरा रीपेमेंट शेड्यूल आप लोगों ने चेक करना है, क्या पता गलत बनाओ क्या पता सही बनाओ। अपने पास रीपेमेंट शेड्यूल बनाकर मुझे गो अहेड दे दीजिएगा मैसेज के अंदर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
डन सर, ठीक हो गया जी, मैसेज आने शुरू हो गए हैं। ग्राम सचिव का भी आ गया मैसेज, ठीक जी बेटा। हमें क्वेश्चन पूछा गया है डाउन पेमेंट की, पेमेंट को हमें शेड्यूल में शो करना होता है। यस, आपके जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट करना है और वो डाउन पेमेंट उसके अंदर मौजूद है तो आप इसको शेड्यूल में शो करें। क्वेश्चन ये पूछा गया है डाउन पेमेंट की पेमेंट को हमने शेड्यूल में शो करना होता है या फिर उसकी बस एंट्री करनी है। तो बेटा आप, चूंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के अंदर डाउन पेमेंट को शामिल किया हुआ है और शेड्यूल को हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट करना है, इसी में ही आसानी है, लिहाजा आप इसको इसमें शामिल करें। ठीक हो गया दो तीन बच्चों ने कर लिया है, बाकी बच्चों को 1-2 मिनट और दे देते हैं। काइंडली बच्चों फीडबैक दें, जल्दी 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 काम करें। रेट मुकम्मल यूज करना है, फुल फ्लैज। जी जिन बच्चों ने कर लिया है वो जरा चेकिंग करें। गुड, ले जी शेड्यूल चेक करें क्या सही बना हुआ है, क्या आप लोगों ने ऐसे ही बनाया या कोई मैंने गलती कर दी है या आपने कोई गलती कर दी है, चेक करें। सेम, ठीक है सर। अब चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे एरियर का क्वेश्चन हो, सर जी बेटा सर बाकी सारा तो सही है, बस एंड पे जो है आपने कहा था कि जो बैलेंस रिमेनिंग होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जो उससे पहले बैलेंस रिमेनिंग होगा वो हमने सारा प्रिंसिपल में डाल के जो बाकी होगा इंटरेस्ट में कर देना। जी किया तो मैंने जो है वो भी आप वाला ही है कि एंड पे जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 2 को कंसीडर किया है, लेकिन 2 वैसे तो परचेज ऑप्शन है, वो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट्स का तो पार्ट है, यानी 5.8 जो इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं उनका पार्ट तो नहीं है, तो उसमें 1.7 को एग्जैक्ट अगर ट्रांसफर कर दें। नहीं नहीं बेटा, इंस्टॉलमेंट का ही तो है एक हिसाब से, क्या हमारा लीज पेमेंट का पार्ट है वो? अब पे तो हमने 2 करना है ना, तो उसके अंदर 2 के अंदर भी कुछ इंटरेस्ट शामिल होगा, कुछ उसका प्रिंसिपल शामिल होगा। अब एक ओके हिसाब सर, से मतलब हम उसको भी हमने 1.728 रुपीज यूटिलाइज किए हैं फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, तो जो किसी का पैसा यूटिलाइज किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना तो बनता है, ठीक हो गए सर। ठीक है? ठीक ओके सर, बाकी सेम। है।
अच्छा, जर्नल एंट्री के दो तरीका कार तरीका उर्दू में लिखना समटाइम्स जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब ज्यादा आगे कैसे तरीका लिखते हैं, जर्नल एंट्री के दो तरीका कार मौजूद है। आई कैप की बुक में। अच्छा, अब मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, ठीक। समटाइम्स एक तरीका कार आसान होता है तो समटाइम्स किसी जगह पर दूसरा तरीका कार ज्यादा आसान रह जाता है। पहले हम नॉर्मल अंदाज से करेंगे, फिर मैं सेकंड वे आउट डील करूंगा। नॉर्मल वे में जैसे जो आपको बुक शेयर की है उसके अंदर भी वैसे हुआ हुआ है, और मेरी रिसेंट बात हुई है उनसे तो वो भी दूसरा तरीका कार भी लेकर आने लगे हैं इस दफा बुक के अंदर, ठीक है बेटा। तो हम दोनों तरीका कार डिस्कस करेंगे और जहां पर जो सी चीज ज्यादा आसान लगेगी उस तरीके से हम एग्जामिनर को बता देंगे और अपना काम आसान कर लेंगे। जनरल एंट्रीज में से मैं डिस्कस करना शुरू करने लगा हूँ। जनरल एंट्री पहले करेंगे फिर हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट के ऊपर चले जाएंगे। जनरल एंट्री, 1 जुलाई 10 एसेट आया, हमने राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करना है, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है, अगर कोई आईडीसी है तो कैश क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है तो वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ना बताया हो अप्लाई ना हो रहा हो तो सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है। डेबिट क्रेडिट रुपीज इन मिलियन, राइट ऑफ यूज बैलेंसिंग आएगा, लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पर आया करती है। वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहां से हम पिक करेंगे ये 20 बेचारी, ट्वेंटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई हमारी, या हमने 20 के साथ क्या कर दिया इसे क्रेडिट। ये दोनों चीजें नहीं थी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है मुकम्मल एंट्री। अब यहां पर बैलेंसिंग क्या कर देंगे हम 20 का। नरेशन इसकी हो जाएगी एक्वायर्ड एसेट ऑन लीज, अब आप अपना रीपेमेंट शेड्यूल देखते जाएंगे, एक एक एंट्री पास करनी है जी। पहली एंट्री 1 जुलाई 10 को आ गई हमारी, ये वाली 5.8 की पेमेंट, इसमें इंटरेस्ट कोई शामिल नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे, 1 जुलाई 10 को ही पेमेंट हो रही है, 1 जुलाई 10 को ही पेमेंट हो रही है, हमारी एंट्री बन जाएगी लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 5.8 मिलियन। अब अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड लीज लायबिलिटी को जो डिफाइन करता है वो ये पेमेंट लेस करने के बाद ही करता है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो 20 माइनस 5.8 करूं तो मैं 14.2 पर पहुंच चुका हूं, जो कि 1 जुलाई को ही हमारी लीज लायबिलिटी है। 14.2 मैं लीज लायबिलिटी पर पहुंच चुका हूं। हमने डाउन पेमेंट कर दी या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बात एक ही कंसिडर मैं कर सकता हूं रफली। साल मुकम्मल होगा 30 जून 11 आएगा, क्या कोई और इंस्टॉलमेंट हमारे साल में पे हुई है जी बताएं। हमारा ईयर 30 जून 11 पर एंड होता है, क्या हमारे साल में कोई और पेमेंट हुई है, मैसेज में लिखकर बता दें थोड़ा सा,
मुझे साथ साथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का भी पता चलता चला जाए। कोई इंस्टॉलमेंट मजीद पे नहीं हुई, इसका मतलब है हमारे साल में सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे हुई है। अच्छा ये बताएं, क्या 14.2 मिलियन मैंने पैसा यूटिलाइज किया है 1 जुलाई 10 से लेकर 1 जुलाई 11 30 जून 11 तक? क्या 14.2 मिलियन मैंने मैंने से मुराद है बिजनेस ने, जिसकी बात हो रही है, यूज किया है 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक? यस, आंसर है इसका यस। क्या फिर मुझे इंटरेस्ट देना बनता है, मेरा इंटरेस्ट लिखना जरूरी है या नहीं? क्या मेरा इंटरेस्ट लिखना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। ऐसे तो मेरा इंटरेस्ट पूरे साल का बनता कितना है? क्या 2.233 ही बनता है? ये ऐसे है मेरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन पे अगले साल हो रहा है, तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा अपने पास नॉर्मल अंदाज में, जो आप एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास कर दूं बता दें, जरा मैसेज में बता दें या बोलकर बता दें। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल 2.233, 2.233, 2.233। तो यहां पर मैं ऐसे बड़े लॉजिकली, बड़े आराम से एक बात कह सकता हूं कि एडवांस के क्वेश्चन में हमारे साल का कुछ या मुकम्मल मुकम्मल होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट में। कुछ होगा क्वार्टरली, सेमी एनुअली नहीं। एडवांस के क्वेश्चन में हमारे साल का कुछ या मुकम्मल इंटरेस्ट अगले साल की पहली पेमेंट में मौजूद होता है। बात क्लियर हो गई बच्चों? हमारा क्वेश्चन एडवांस का है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हमें करना था। चूंकि पूरा साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट है, लिहाजा हमारे साल का मुकम्मल इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में मौजूद होगा। 30 जून 11 खत्म हुआ, अभी 30 जून 11 की डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी रहती है। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस एंट्री को हम बाद में, डेप्रिसिएशन की एंट्री को हम बाद में करते हैं डील, पहले जरा अगली इंस्टॉलमेंट्स को डील कर लिया जाए। ये अगला साल शुरू हो गया बच्चों, पहला
पहले साल को एंड कर देते हैं हम यहाँ पे, हमारा साल पहला कंप्लीट हो गया, अगला साल शुरू करते हैं। अगले साल की पहली पेमेंट ईयर एंडेड 30 जून 12, फर्स्ट जुलाई 11 को पहली पेमेंट हो रही है, कौन से वाली, हमारी ये वाली। पेमेंट 5.8 है, लिहाजा कैश या बैंक से क्रेडिट होगा मेरा 5.8। लीज लायबिलिटी मेरी क्या होनी है, डेबिट होनी है, जो हमारी प्रिंसिपल में लिखी हुई है 3.567। शुड आई राइट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 2.233? इंटरेस्ट नहीं, पेबल वो मेरा क्या है, पिछले साल का इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या लिखना है, इंटरेस्ट पेबल लिखना है 2.233। बात क्लियर जी? अब ऐसे ही हमने आगे चलते चले जाना है। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये होता चला जाएगा। वैसे तो आपको जनरल एंट्रीज अक्सर अगर पूछेगा, एक आधे साल की पूछेगा, ज्यादा सालों की नहीं पूछता, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है आपसे। 30 जून 12 की एंट्री हो गई, ईयर एंड 30 जून 12 की पहली एंट्री होगी, 1 जुलाई 11। नेक्स्ट, क्या मैं ये वाला पैसा 10.633 यकम जुलाई 11 से लेके 30 जून 12 तक यूटिलाइज किया है? बात वही आ गई, हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में मौजूद होगा एडवांस के क्वेश्चन में, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है 30 जून 11 के बाद 30 जून 12 पर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। INT स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, कितना आ रहा है जी, 1.672। मैंने अपने साल का इंटरेस्ट बुक कर दिया 30 जून 12 का, और फिर मेरा 30 जून 12 को ही एक और एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जिसकी एंट्री मैंने भी कहा कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को एंट्री समझ लग गई होंगी। Any confusion up till now? सर जो पहली वाली एंट्री है उसको कंबाइन करके तो देख सकते हैं, मतलब राइट टू यूज 20 और कैश 5.8 से क्रेडिट हो जाएगा और बाकी लीज लायबिलिटी जो 20 माइनस 5। यस यस, बिल्कुल आपने सही कहा, भाई ने कहा कि पहली एंट्री को कंबाइन करके भी तो लिख सकते हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट 20 से और लीज लायबिलिटी नेट के साथ 14.2 और साथ ही कैश क्रेडिट 5.8। यस बिल्कुल की जा सकती है, भाई ने ऐसे कहा कि ये एंट्री ऐसे भी तो हो सकती है, राइट ऑफ यूज 20 के साथ डेबिट, कैश 5.8 के साथ क्रेडिट और लीज लायबिलिटी 14.2 के साथ क्रेडिट, बिल्कुल हो सकती है बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बच्चों को ना असल में कुछ बच्चे होते हैं जरा कॉम्प्लिकेटेड या एंट्री को सोच लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमें बस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाओ, एक एंट्री बताओ, हम उसके हिसाब से चलते चले जाएंगे, तो यस दोनों तरीकों से काम हो सकता है, नेट इफेक्ट तो सेम ही है, तो जब जहां पर भी नेट इफेक्ट सेम हो दैट इज पॉसिबल टू डू, ये बात याद रखें आप अपने लिए, ठीक है बेटा, जहां जहां पे भी नेट इफेक्ट
सेम आ रहा है, तो आप एंट्री को अगर माइंडसेट में ये बना लेते हैं कि कंबाइन करके कर सकते हैं, यस यू कैन डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा नहीं, बस ऐसे तरीके से चलना है, इसी तरीके पर चलना है, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, ओके सर, जहां पर लॉजिक ठीक है वहां पर गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, असल चीज है पेपर में कॉन्सेप्चुअली चलना है आप लोगों ने। 30 जून 12 के बाद अगला साल 1 जुलाई 13 को पेमेंट आ जाएगी और हमारी लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 5.8 का इंटरेस्ट पेएबल 1.672 है और पेमेंट हमारी 4.128 प्रिंसिपल है, 4.128 प्रिंसिपल है। और ये आपका आ गया जनाब इज्जत माफ ये वाली है। ठीक है बच्चों, मैं सारी की सारी एंट्रीज कर रहा हूं क्योंकि मुझे एंड तक परचेज ऑप्शन की वैल्यू तक पहुंचाना है आपको। लीज लायबिलिटी के बाद वंस अगेन 30 जून 14 आ जाएगा। 30 जून 14 के ऊपर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पे एबल क्रेडिट करना है। हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में मौजूद होता है 1.023, अगले साल की पहली पेमेंट में मौजूद होगा 1.023, 1.023, 1.023। और अगली एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की होनी है। हमारा 30 जून 14 पे है ना, कहाँ पर थे हम? 30 जून 12, तेरह यकम जुलाई 12 आना था यहाँ पे, डेट थोड़ी गलत लिखी गई है। यकम जुलाई 12, 30 जून 13 यहाँ पे गलती होगी। हमारा साल हो गया मुकम्मल और अब आखिरी साल आ जाएगा यकम जुलाई 13। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 5.8, 1.023 पेएबल था और 4.777 ये वाली हम एंट्री कर रहे हैं, 4.777, 4.777 ये हमारी एंट्री होगी 1 जुलाई 13 को। क्या ये आखिरी दो एंट्रीज एक ही साल में हैं? ये बच्चों क्या ये 30 जून 14 को ही एंट्री है आखिरी? जी यस सर, एक ही एरन है। एक ही है, एंड पर ही है। तो अब इस साल के अंदर आपको 30 जून 14 पर एंट्री पास करना है वंस अगेन लीज लायबिलिटी डेबिट। व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? शुड आई राइट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एबल? एक्सपेंस अब क्या चीज आ जाएगी? हमारे साल का इंटरेस्ट अब हमारे साल में पे हो रहा है। ये वाला पैसा 1.728 मैंने यूटिलाइज किया 1 जुलाई 13 से लेके 30 जून 14 तक और 30 जून 14 को पे भी कर दिया है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या चीज आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और एंट्री आ जाएगी डो की पेमेंट
0.272 इंटरेस्ट एक्सपेंस और बाकी आईडी माइक ऑफ कर दो 1.728 और 2 मिलियन की पेमेंट हो गई। अब इंटरेस्ट पेबल वाली एंट्री यहां पर नहीं होगी। हाँ, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वो वाली एंट्री तो होगी। तो यूं हमारे 4 साल एंट्रीज के पूरे होने थे। एनी क्वेश्चन इन द रीपेमेंट्स? एनी क्वेश्चन इन द रीपेमेंट्स? कोई मुश्किल एडवांस के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पेएबल का को याद रखना है। हमारी पेमेंट्स में बार बार इंटरेस्ट पेएबल आ रहा होगा इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, और हर साल के एंड पर एक एंट्री होगी इंटरेस्ट पेएबल की। बात क्लियर है बच्चों? इन रूटीन आई कैप के सॉल्यूशंस सारे इसी तरीके से ही चलते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का हमने सोचा क्या था, क्वेश्चन बता रहा था कि लीज टर्म 4 साल है और लाइफ 10 साल है। परचेज ऑप्शन होने की वजह से जो हमने पैराग्राफ नंबर 32 पढ़ा था वो ये कहता था, अगर आपके पास परचेज ऑप्शन है या आपके पास ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जानी है एलएससी को, तो फिर हम यूजफुल लाइफ कंसिडर करेंगे। और हमारे पास परचेज ऑप्शन है और हम रीजनेबली सर्टन भी हैं ड्यू टू दिस फेयर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम 10 साल यूज करेंगे, लाइफ हमारी 10 साल होगी और डेप्रिसिएशन की वैल्यू राइट ऑफ यूज एसेट से ली जाया करेगी। हमेशा ये वाली वैल्यू बनाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाना है। बात क्लियर हुई? अक्सर औकात ऐसा हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही आपका राइट ऑफ यूज बन रहा हो, लेकिन अगर आईडीसी हुआ, अगर डिसमेंटलिंग हुआ, तो फिर क्या करोगे? तो दिमाग अपना जेन में रखना है कि ये वाली एंट्री एक हिसाब से आपने करनी ही करनी है ताकि राइट ऑफ यूज एसेट बन जाए। वर्किंग के तौर पर बेशक कर लें, नहीं भी रिक्वायर है तो डेप्रिसिएशन के लिए ये राइट ऑफ यूज की सही वैल्यू होना जरूरी है। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इज इक्वल टू ₹2 मिलियन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री 2 मिलियन की हर साल होगी। 30 जून 2011, 30 जून 2012, 30 जून 2013, 30 जून 2014 एंड सो ऑन। बात क्लियर है जी? डेप्रिसिएशन के से रिलेटेड भी पैरा 32 परचेज ऑप्शन है और दूसरा था क्या नाम था, ऑनरशिप ट्रांसफर। तो हम किस पर डेप्रिसिएशन करेंगे? यूजफुल लाइफ यूज करें। और साथ क्या था, अदरवाइज में शॉर्टर ऑफ लीज पेमेंट एंड यूजफुल लाइफ, ये हमारा पैरा 32 बस इतनी सी बात कर रहा था। जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। अदनान सफीर, आपने कब ज्वाइन किया है? क्वेश्चन आ रहे हैं।
वी कैन सिंपली से दैट जितनी भी पेमेंट लेसी करता है लेसर को ड्यूरिंग लीज टर्म, वो सब लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में आती है। यस यू कैन से, बिल्कुल। क्वेश्चन आया जितनी भी पेमेंट लेसी करता है लेसर को वो लीज पेमेंट की डेफिनेशन में आती है। यस दोज आर अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स एक्सेप्ट दैट आप कुछ जगह पर ये लिखा होता है कि जो इनिशियली पेमेंट कर दी है वो शामिल लीज पेमेंट्स में नहीं होगी, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी वो सारी पेमेंट्स लीज पेमेंट्स कंसिडर करेंगे जो लेसी लेसर को कर रहा है। आईडीसी, भाई एक भाई ने क्वेश्चन पूछा ये आईडीसी क्या होता है। बेटा अगर लीज गेट करने के लिए कोई कमीशन वगैरह देना पड़े, कोई चार्जेस वगैरह देने पड़े, कोई खर्चा करना पड़ जाए, उसको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। सर जी, सर एक रिक्वेस्ट थी, वो पीडीएफ काइंडली थोड़ा सा जल्दी सेंड कर दिया करें, क्योंकि असल में ना, वो ये असल क्लास में बेटा, फिजिकली असल में मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ का सिलसिला क्या है। पीडीएफ का सिलसिला ये है, मेरी क्लास नक्के पे नक्के जुड़ी हुई है। आपकी क्लास खत्म होती है, जूं ही खत्म होती है अगली क्लास शुरू होती है, और मैं फारिग होता हूँ 2:15 के करीब। 2:15 फारिग होके जल्दी जल्दी भागना होता है नमाज के लिए, इस वजह से आपको 3:15 बजे मिल रही होती है। ठीक है बेटा, ओके सर, वो बस ये था कि वो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं क्लास के, तो दो क्लास के दरमियान तो 4-5 घंटे का गैप है, तो ताकि उसमें फिर वो ये मैं चीज़ें बाकी कोशिश कवर कर करूंगा कि सकें। आपको जल्द से जल्द मिल जाया करें। कोशिश ओके सर, करके 5 मिनट पहले खत्म कर लिया करेंगे, उस दौरान इंशाल्लाह दे दिया करूंगा कोशिश करके। ठीक है, ठीक हो ओके गया सर, थैंक बच्चों, यू। इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो हो गई हमारी जनरल एंट्री से रिलेटेड कहानी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था हमें एक्सट्रैक्ट बनाकर दे दो। तो एक्सट्रैक्ट में हमें एसेट किस वैल्यू को ऊपर लिखना है, राइट ऑफ यूज एसेट हमें बुक वैल्यू पर लिखना है। मुश्किल काम ही नहीं। 20 के ऊपर हमने लिखा था, डेप्रिसिएशन 2 की हो गई, कितना आ गया 18। 1 साल और डेप्रिसिएशन की, कितने पे आ गया 16। बात क्लियर हो गई, राइट ऑफ यूज एसेट गया। अगली बात लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें लिखना है लीज ऑब्लिगेशन। लीज ऑब्लिगेशन की जगह पे लीज लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, इसके लिए आप लोगों को एक फिकरा लिखवाया था, बताया था हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर दो, लाइन लगा दो। हमारा साल कौन से वाला हम कर रहे हैं, 30 जून 11। 30 जून 11 करते हुए हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर दो, लाइन लगा दो। 30 जून 11 यहाँ पर हमारे साल की आखिरी पेमेंट ये बन रही। तो टोटल लाइबिलिटी हमारी 14.2, और अगले साल की आखिरी पेमेंट के नीचे भी क्या कर दो,
लाइन लगा दो। तो ये हमारे साल की हो गई 10.633। ये क्या हो गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। और जितनी भी इस कॉलम में पेमेंट्स होनी है अगले साल में, हमारे साल की आखिरी पेमेंट और अगले साल की आखिरी पेमेंट के दरमियान में जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी इकट्ठी करके क्या है हमारी करंट लाइबिलिटी। तो 3.567 क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है लिहाजा 3.567 हमारी करंट बनी। 3.567 हम करंट लाइबिलिटी में लिख देंगे 3.567 3.567 और नॉन करंट में हम लिख देंगे 10.633 10.633। इन दोनों को अगर हम जमा कर लें, जरा जमा करके बताएं 10.633 और 3.567 कितना बनता है। मैसेज में करें आप लोग जमा, प्लस करें 10.633 एंड 3.567 14.2 बन गया। दिस इज आवर टोटल लाइबिलिटी, हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे जब आपने लाइन लगाई तो सामने ये जो अमाउंट है ये आपकी टोटल लाइबिलिटी है। और जब भी आप करंट पोर्शन और नॉन करंट लिखें तो दोनों को जमा करके अगर आप देख लें तो आपकी इसके बराबर बननी चाहिए। ये कंट्रोल टाइट होता है इस तरीके से आपका, क्या आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं कंट्रोल में ले आते हैं। अगला साल हमारा क्या 30 जून 12। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर गए, वो क्या हमारे साल एडवांस के क्वेश्चन में एक और चीज भी आती है, वो होता है इंटरेस्ट पेबल इन एडवांस क्वेश्चन, एडवांस की क्वेश्चन। कितना हो गया बच्चों इंटरेस्ट पेबल, हमारे साल का इंटरेस्ट अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो मुकम्मल इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में पहली पेमेंट में मौजूद होता है। हमारा साल 30 जून हमने एंड किया हुआ है और उसकी लाइन लगाई हुई है और हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में मौजूद है। हमने जर्नल एंट्री नहीं देखनी है, जनरल एंट्री तो रिक्वायर ही नहीं है, हमने तो शेड्यूल बनाया, शेड्यूल से देख के डायरेक्टली लिखना है। तो 2.233 क्या है हमारा इंटरेस्ट, 2.233 इंटरेस्ट पेबल। इसके साथ ही सौकी भी कर दिया जाए तो जरा पूरा मुकम्मल काम हो जाएगा, बाद में अगला साल शुरू करते हैं। सौकी के अंदर एक आना है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक आनी है हमारी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो 2-2 मिलियन है हर साल। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पहली पेमेंट में मौजूद होता है अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो, और ये मुकम्मल इंटरेस्ट होगा अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो 2.233 हमारे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। काइंडली यहां पर और यहां पर ये लाजमी नहीं है एक जैसे है, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट सॉरी अगले साल की पहली इंस्टॉलमेंट में से, ये अगले साल की पहली इंस्टॉलमेंट में से है और ये वाला अगर मेरे एक क्वार्टर की पेमेंट्स है
तो हमारे साल में भी कुछ इंटरेस्ट हमारे साल का पे हुआ होगा, इन केस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से, तो फिर कुछ हमारे साल में होगा और कुछ अगले साल की पेमेंट्स में से हो सकता है। ये कुछ हमारे साल में से और कुछ अगले साल की पहली पेमेंट में से हो सकता है। लॉजिक क्या है? अगर हमारी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं तो हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट साल की कितनी होगी? चार। तो हमारे साल की आखिरी पेमेंट, तो हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पहली पेमेंट में छुपा होगा, तो टोटल चार इंस्टॉलमेंट्स आपने पूरी करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए फिर आपकी पेमेंट्स होंगी तीन, आखिरी तीन हमारे साल से क्वार्टरली के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए। आखिरी तीन हमारे साल से और एक अगले साल की पहली पेमेंट से। ये चीज रख के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में, प्रैक्टिस सेट 13 एंड 14 जो मैंने कल दिए थे, शायद आपको भेजा था मैंने, तो उसके अंदर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, ये वाला बस आपने लिख लेना एक दफा अपने पास, फिर ये चीज आपको वहां पर एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा। आखिरी तीन हमारे साल से और अगली एक अगले साल की पहली पेमेंट से, अगर क्वार्टरली होगा। अगर हाफ ईयरली होगा तो आखिरी एक अगले साल से और एक आखिरी अपने साल से। चलें, ये वाली बातें तो हो गई, अब आ जाएं हम वापस चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। 30 जून 12, 30 जून 12 हमारा साल है, हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई जाए। हमने अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, अगले साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई, तो पता चला ये हमारी क्या बन गई, 6.505 नॉन करंट लायबिलिटी, और जो सारी की सारी पेमेंट की है ये बन गई करंट लायबिलिटी। अगले साल 4.128 करंट और 6.505 नॉन करंट, 4.18, 4.128 करंट और नॉन करंट बन जाएगी 6.505, 6.505। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाए सामने जो है 10.633, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी टोटल 10.633। दोनों को जमा करें तो 10.633 बनना चाहिए। और हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पहली पेमेंट में मौजूद होता है और ये मुकम्मल होगा, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो वो बन रहा है हमारा 1.672। ये इंटरेस्ट 1.672 डायरेक्टली हम लिख लेंगे इंटरेस्ट पेबल 1.672। जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन? और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा यही आ जाएगा 1.672, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?
कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? आर यू लिसनिंग मी? क्लियर क्लियर है? गुड हो गया। सर। चलो गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने नोटल नोट की तरफ। नोटल नोट में कुछ भी नहीं है, एक आपका आ जाएगा MTL हेडिंग नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 ईयर एंडेड 30 जून 12 आपने लिखना है। 30 जून 12 का काम करते हुए 30 जून 11 भी करना है, रुपीज इन मिलियन कर रहे होंगे। आपके पास एक अदद नोट बनना है, से 14 नंबर नोट, लीज का। लीज के नोट में 14.1 जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे, क्वेश्चन से देख कर लिखेंगे। द एंटिटी या द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, यहाँ से देख देख के लिख लेते हैं। एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, लीज टर्म इज 4 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट रेट इन द लीज इज दिस, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5.8 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस एट द एंड ऑफ लीज टर्म। एंटिटी हैज अ परचेज ऑप्शन टू एक्वायर दिस एसेट। कहानी खत्म। और पेइंग 2 मिलियन लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। तो क्वेश्चन से देख के ही अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडजस्ट करके जनरल डिस्क्रिप्शन लिख देनी है आपने। 14.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑन डिस्काउंटेड लीज पेमेंट 30 जून 11, 30 जून 12 इसमें लिखना होता है। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर एंड सो ऑन। दो अल्टरनेटिव्स आपको मेरा ख्याल है मैंने बता दिए हुए हैं इसके क्या होते हैं। लेस देन वन ईयर, लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर। हाँ वो होते हैं लेस देन वन, 1 to 5 एंड ग्रेटर देन 5। हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई। अब अगले एक साल में पेमेंट कर कितनी करनी है, एक साल में, उससे अगले साल में, 1 से 2 में, और फिर 3 में। यहाँ पर गलती हो सकती है। बच्चा जल्दी जल्दी भागे 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 क्या कर दे, 2 को 4th ईयर में ले जाए। देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक इन कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। तो हमारा कितने साल हुए, 3 साल हुए। पहले साल में 5.8, दूसरे साल में 5.8 और तीसरे साल में 7.8 हो जाएगा। अगर हमारा साल हो 30 जून 12 तो बस एक इंस्टॉलमेंट पुराने वाली क्या करें, ये वाली उड़ा दें, ये वाली उड़ा दें, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, इसको भी उससे ऊपर शिफ्ट कर दें, बजाय इसके कि भागे जाएं दोबारा से 5.8 एंड 7.8 हो जाएगा। यूं मुकम्मल हो जाएगा आपका नोटो नोट। टोटल आप लोगों ने बताना है। कितना आ गया जी, मैसेज कर दें। 30 जून 11 का पहले 12 का निकालें, पहले 12 का निकालें, पहले 12 का निकालें, 13.6। अब इसमें 5.8 जमा कर दें, 19.4, 19.4। पहले
करंट ईयर का निकाल लें, बाद में एक एडिशनल इंस्टॉलमेंट आपने ऐड करनी है, तो वो 5.8 जमा करेंगे तो 19.4 बन जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, गुड। अच्छा, अब यहां पर मैं एक और नोट की डिस्कशन कर देता हूं, राइट ऑफ यूज एसेट के नोट। पहले हमने लीज के नोट का किया, अब राइट ऑफ यूज एसेट नोट करने लगा हूं। जस्ट लाइक IS-16 का नोट, जो आपने अच्छा खासा R1 में बनाया है, वो क्या है? वो है जनाब, आप शुरू करते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में या तो कॉस्ट होती है या रिवैल्यूड अमाउंट होती है। आप इसमें लिखते हैं ओपनिंग, इसमें आप एडिशन लेते हैं, आप इसमें से डिस्पोजल लेस करते हैं, अगर रिवैल्यूशन हो तो रिवैल्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं, और आप पहुंच जाते हैं क्लोजिंग पर। इससे अगला हिस्सा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसका ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है, और डिस्पोजल होके क्लोजिंग हो जाता है। अगर हमें ये वाला नोट भी बनाना हो, 2011, 2012, 30 जून, तो फिर ये कैसे बन जाएगा? ओपनिंग में हमारे पास कुछ नहीं था, हमने 2011 में एडिशन की है, राइट ऑफ यूज एसेट 1 जुलाई 10 के ऊपर लिया है। इधर गया, ये शेड्यूल आ गया, 1 जुलाई 10 पर हमने राइट ऑफ यूज एसेट की एंट्री भी ये बनाई है 20 मिलियन। तो ये 20 मिलियन की क्या होगी? हमारी एडिशन हो जाएगी। क्लोजिंग क्या आ जाएगा? 20 मिलियन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग 0, डेप्रिसिएशन 2 की चार्ज करेंगे, हमारा क्लोजिंग बन जाएगा 2 मिलियन। इसके बाद देखते होते हैं हम नेट कैरिंग अमाउंट, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। ये मेरे पास आ गई 18, ये 20 मिलियन ओपनिंग में आ जाएगा, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 20 क्लोजिंग, ये वाला ओपनिंग बन जाएगा 2 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन का ओपनिंग, 2 मिलियन इस साल की डेप्रिसिएशन, टोटल 4 हो गई, 20 में से 4 के बाकी रह गए 16। इसके बाद आगे जो छोटी मोटी बातें बनती हैं वो भी नोट का पार्ट होती हैं। नेट कैरिंग अमाउंट आपको ओपनिंग भी बतानी होती है। ओपनिंग के लिए बच्चों फार्मूला कुछ ये है कि आप इसको बोल दें एक्स, इसको बोल दें वाई, और यहाँ पर लिख दें एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ पर 18 आ जाएगी, 20 में से 2 गए तो 18 रह गए, या फिर एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, ऐसे भी आप सोच। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? सर जी, सर पेपर में ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नोट बनाना है कौन सा नहीं बनाना? मार्क्स दे के डिसाइड करेंगे बनाना है या नहीं बनाना? मैंने इसलिए ये डिस्कस अलहदा से किया है, लीज का नोट बनाना है, लीज के क्वेश्चन में राइट ऑफ यूज का नहीं बनाना, ठीक है बेटा? ये वाला नोट अप्लाई होगा, ये है पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सर जी जी सर,
सर ये वाला लॉग है वो हम एफ बनाने में बना रहे थे, तब नीचे वो भी मेंशन कर रहे थे कि मेथड क्या है, यूजफुल है, वो चीज़ होता है मेंशन कर हाँ रहे थे। हाँ वो अगर अगर राइट ऑफ यूज एसेट का नोट मांगेगा तो वो भी शामिल होंगे, सारी चीजें ओके शामिल होंगी यहाँ पे, वो सारी चीजें आएंगी, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, और एक क्या चीज होती थी तीसरी, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ और मेजरमेंट बेसिस, ये चीजें मेंशन करेंगे अगर राइट ऑफ यूज एसेट का नोट मांगेगा। मैंने तो बस आपको याद कराया, ये नोट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा प्रिपेयर, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेटेड, रिलेटेड का वर्ड आपको बता रहा है कि आपने लीज का नोट बनाना है, ये वाला नोट बनाए, बाकी का नहीं खत्म। ठीक है बच्चों, मुझे तो आपको सारी चीजें, क्वेश्चन बिल्कुल की रिक्वायरमेंट तो मैं तो जनरल एंट्रीज भी नहीं की, हमने तो वो भी पास की। यहाँ तक आई थिंक सो कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा यहाँ पर मुझे जाना था लस्सी की काउंटिंग में, यस। एक होती है बच्चों इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, वो हमने यहाँ पर की, यहाँ पर कहीं पे इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंट मॉडल ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट, कॉस्ट मॉडल में लिए, काइंडली जरा ऑफ कर दीजिएगा, ये बच्चों इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, पैराग्राफ नंबर 26, एट द कमेंसमेंट डेट। ओ यार ये कमेंसमेंट डेट क्या होती है ये बच्चों बताओ, कमेंसमेंट डेट क्या होती है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? स्टार्टिंग डेट ऑफ लीज, इसको जरा सा थोड़े से डिफरेंट अंदाज में जरा लेके चलते हैं। अच्छा सर इंसेप्शन डेट क्या स्क्रीन होती शो नहीं हो रही। है? शो नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है उसका दरमियान ही हुआ। इंसेप्शन डेट क्या होती है? अब दो डेट्स हैं स्टैंडर्ड में यूज होती हैं, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट। हाँ स्टैंडर्ड से पूछ लेते हैं कि कमेंसमेंट डेट क्या है और इंसेप्शन क्या है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताओ हमें, इंसेप्शन डेट क्या होती है और कमेंसमेंट डेट क्या होती है? लीज कमेंसमेंट डेट, इंसेप्शन डेट ऑफ लीज, ये बेटा ये इंसेप्शन डेट आ गई। द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज। एग्रीमेंट हो गया मींस निकाह हो गया, मैं जरा दूसरी तरफ से
और या फिर कमिटमेंट हो गई यानी मंगनी हो गई। तो मंगनी और निकाह ये हो गई एक हिसाब से इंसेप्शन डेट। कमेंसमेंट डेट में फर्क क्या है? कमेंसमेंट डेट मीन्स रुख्सती भी हो गई। लेसर्स मेक डेट एन विच लेसर मेक्स द अंडरलाइंग एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज। जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा बाय द लेसी तब उस डेट को कमेंसमेंट डेट बोलेंगे, यानी जब एसेट लेसी को मिलेगा तो कमेंसमेंट डेट, जब एग्रीमेंट हो या फिर कमिटमेंट पार्टीज की हो जाए, टर्म्स एंड कंडीशन बैठ के डिसाइड कर लें, रिटर्न अभी नहीं लिखा गया जस्ट डिसाइड कर लिया, तो भी उसको क्या बोलेंगे, इंसेप्शन डेट ऑफ लीज बोलेंगे। अब नहीं भूलेगा मेरा ख्याल है, कमेंसमेंट डेट और इंसेप्शन डेट नहीं भूलेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैंने इसलिए ये निकाह और मंगनी और रुख्सती के लफ्ज लिखे हुए। तो कमेंसमेंट डेट में कब्जा मिल गया है और इंसेप्शन डेट पे अभी कब्जा नहीं मिला, जस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक हो गया। अब हमारी सारी की सारी काउंटिंग होनी है कमेंसमेंट डेट के हिसाब से, इंसेप्शन डेट के हिसाब से नहीं काउंटिंग चलनी। आ जाए वापस, मैं जिस तरफ बात की तरफ लेके जा रहा था, 12:30 हो गए, अगली क्लास शुरू होने में 15 मिनट रह गए हैं, तो आपकी क्लास को 5 मिनट बाद छोड़ना है, तो जस्ट चंद बातें। किधर गई, किधर गई? इनिशियल मयूर में इनिशियल मयरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो एट कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मयर लीज लाइबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स दैट आर नॉट पेड एट दैट डेट। मैंने ये कह रहा था समटाइम्स डाउन पेमेंट को शामिल नहीं करता, वो इस बेसिस पे शामिल नहीं करता, और कहता है लीज लाइबिलिटी मैंने नेट करके लिखनी है, मैंने ऐसे लिखनी है एंट्री, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, जैसे भाई ने कहा था कैश क्रेडिट 5.8, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी 14.2। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 20 का 20 राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 20 के साथ करते हैं, फिर लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 5.8 करके हम लीज लाइबिलिटी को उस डेट पर ही 14.2 पर ले जरूर आते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजेज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अभी हमने यहाँ तक ही करना है, इससे अगली लाइनें हमने बाद में पढ़नी है इंशाल्लाह। मैं आपको लेके जा रहा था इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी और फिर मुझे लेकर जाना था आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी पर। ये है अल्टरनेटिव जर्नल एंट्रीज की कहानी। स्टैंडर्ड ने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया हुआ है और आई कैप की बुक में भी एक एंट्री लिखी हुई है इस अल्टरनेटिव के ऊपर, और थ्योरेटिकली यस ये एमसीक्यूज में टेस्टेबल है। कहता है आफ्टर कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मैयर दी लीज लाइबिलिटी बाय 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 इंक्रीजिंग दी कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी। एंड रिड्यूसिंग दी कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट मेड। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन में और मैं आपको इस क्वेश्चन की कहानी बताता हूं कि अल्टरनेटिवली ये कैसे मूव करेगा। हम पहुंच गए वापस अपने शहर में, शहर में पहुंचे और हमने कहा कि अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं और स्टैंडर्ड से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है।
जी बच्चों, अब स्टैंडर्ड कहता है कि आप लीज लायबिलिटी का ना अकाउंट कुछ यूं बना दें। ये क्या हुआ भी? बेटे ये आज फिर से हेल्ड हो गया। रोजाना ही बटन कोई दबाया जाना है। जी बेटा स्क्रीन डिसअपीयर हो गई है, मुझे भी पता चल रहा है, पता नहीं हेल्ड हो जाता है, मेरा ख्याल है कोई 1.5 घंटा चल के। भैया ये देखना आके क्या हुए। जी बेटा बाकी कल ही होगा इंशाल्लाह। हाँ स्क्रीन भी टायर्ड हो गई है, बस ठीक है जनाब, डेफिनेटली अब कल ही करना पड़ेगा, 35 मिनट भी हो गए हैं। अच्छा अब आपने होमवर्क करना है, मैंने आपको शेयर किया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14 और एक और भी उसके अंदर लेक्चर प्लान में मौजूद होगा। हम लेक्चर प्लान से थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो सकते हैं एक आधा दिन, मसलन एक्चुअली तो हमारी आज अगर जनरली 5वीं क्लास है तो इफेक्टिवली ये 4थी क्लास है। पहले दिन तो हमने दूसरी डिस्कशन बहुत ज्यादा की है, या 6ठी क्लास है तो आज इफेक्टिवली 5वीं होगी। आवाज आ रही है ना सर? ना स्क्रीन है ना आपकी आवाज है। ठीक है आवाज तो है, फिर। आवाज तो है, स्क्रीन नहीं है, आवाज है। अब चल मैं स्क्रीन देखूंगा। चले सर इंशाल्लाह। जी बताएं। सर ये स्टैंडर्ड्स वाली जो आपने वो डेफिनेशन बताई है काइंडली कल थोड़ी सी रिपीट कर दीजिएगा, ये इतनी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स की बातें कल ये यहां से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड की वो। बातें ओके दोबारा से रिपीट करके इस ये जो बातें बताई हैं इसको समझाने तो लगा था मैं आपको, ये कहानी है यस क्या? दूसरा अल्टरनेटिव तरीके से जनरल एंट्री समझाने लगा था आपको। ओके सर छुट्टी हो गई बच्चा? ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया, छुट्टी हो गई। कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज में लिख के कर सकते हैं, अदरवाइज छुट्टी है। थैंक ओके यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।